जिनके पास डिग्रियां हैं, जिन्हें जिन्होंने सीखा हुआ है, मैं मानता हूं कि उन्हें प्रैक्टिस करने का अधिकार है और उन्हें मौका मिला। रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी जो है प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड नहीं होते। यहाँ ये लोग खड़े हैं, इन्होंने किसी ने किसी स्कूल किसी ने किसी कॉलेज से डिग्री ली है। डॉक्टर बैठता है, फर्स्ट एड देता है, वो 20-30 रुपए में देता है, उसके बाद वो रेफर कर। कल के दिन हमें रीढ़ की हड्डी बताया, आज हमें गले की हड्डी बताया जा रहा, ठीक है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। किसी का चीरा फाड़ी नहीं कर रहे, किसी का ऑपरेशन नहीं कर रहे, सिर्फ छोटा सा जनसेवा कर रहे हैं। जब हम एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं पढ़ करके, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त और फिर भारत सरकार ही रोक लगा रही है इस चीज का भी। 50 रुपए में इलाज कर रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहे हैं। और सरकार ये बताए कि कोरोना काल में ये MBBS कहाँ थे, ये CMO कहाँ थे जी। जब हमने उत्तर प्रदेश सरकार में बाबा के आदेश के बाद कि यह झोला छाप नहीं कर सकेंगे प्रैक्टिस, तमाम डॉक्टर जो है आज CMO ऑफिस आए हैं, CMO साहब को जो है अपना दर्द बयां करने आए हैं, कह रहे हैं कि हम झोला छाप नहीं है, हमने डिग्री हासिल की है, आखिर हमारी प्रैक्टिस पर प्रश्नवाचक क्यों लगाए। साथ आए हैं सांसद इमरान मसूद के भतीजे, इनके साथ मुझे इनकी नहरमोई करने के लिए, इनको नेतृत्व देने के लिए साथ आए हैं संदीप वर्मा जी, जय जिला प्रतिनिधि है इमरान मसूद साहब के, जय बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इनसे, जय आखिर इनकी प्रैक्टिस पर सरकार ने प्रश्नवाचक क्यों लगाया, और प्रश्नवाचक लगाया तो CM साहब से यही मदद क्या चाहते हैं जी। शुरुआत करेंगे हम हमजा मसूद साहब से, हमजा मसूद साहब जी तमाम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आए हैं अपने दर्द बयां कर रहे हैं कि प्रश्नवाचक क्यों लगाया, इनकी प्रैक्टिस पर कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए सरकार का जो आदेश है वो स्पष्ट कहता है कि जिस पे डिग्री नहीं है वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। हम भी इस बात का समर्थन करते हैं, नहीं है नहीं करेगा, लेकिन जिस पे डिग्री है, जिसने प्रैक्टिस करी हुई है या फिर जो कॉलेजेस चल रहे हैं प्रदेश के अंदर वहाँ से डिग्री हासिल करी हुई है, उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार है। और अगर ये सारे डॉक्टर्स हट जाएंगे छोटे छोटे गली मोहल्लों से तो मैं समझता हूँ पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। हमारे पास इतना बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है कि हम बगैर इन डॉक्टर्स के इस हेल्थ केयर सिस्टम को आगे चला सकें। जो डिग्री धारी नहीं है मैं उनके बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन जिनके पास डिग्रियाँ हैं, जिन्होंने सीखा हुआ है, मैं मानता हूं कि उन्हें प्रैक्टिस करने का अधिकार है और उन्हें मौका मिलना चाहिए। बात झोला छाप की हो रही है, गाज गिर रही है उन लोगों पर जो डिग्री लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आखिर कैसे देखते हैं, इस गाज के मायने आखिर हैं क्या। देखिए जो फर्जी प्रैक्टिस कर रहा है उसके तो साथ है ही नहीं, हाँ कोई सा भी ऐसा नहीं है जो फर्जी प्रैक्टिस कर रहा हो या जिसके पास डिग्री ना हो। जिनके पास डिग्री है चाहे BAMS की हो चाहे BOMS की हो, उन्हीं लेकर हम आज यहाँ पर आए हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने आए हैं, और जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसका अनुपालन हो, जो उसके अंदर जीओ के अंदर आया हुआ है उसके हिसाब से कार्य हो। कल CMO साहब गए थे और जो है कुछ जगह जो छापे भी पड़े हैं, बोला जा रहा है कि जो इंजेक्शन लगाने का इनको अधिकार नहीं है, ड्रिप लगाने का अधिकार नहीं है, ये तय कौन करेगा कि कौन क्या कर सकता है, या CMO साहब इसकी देख रेख करेंगे, कैसे देखते हैं, मतलब तमाम लोगों जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं क्या आखिर ये चाहते हैं, आपने बात किया नेतृत्व देने के लिए आप इनके साथ में आए हैं। देखिए बहुत सीधी बात है, ड्रिप इंजेक्शन का इतना तो मैं जानता नहीं क्योंकि मैं उस फील्ड का आदमी नहीं। आप आइए इनके साथ नेतृत्व देने के लिए। मैं नेतृत्व ही तो सुन रहा, पूरी बात तो सुनिए, मैं ड्रिप इंजेक्शन का नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि गरीब आदमी को अगर जरूरत पड़ती है तो अस्पताल टाइम पे नहीं मिलता, तो यही लोग काम आते हैं। गरीब जनता के बारे में सोचा जाए, या तो क्यों नहीं खोले गए सहारनपुर शहर के अंदर मोहल्ला क्लिनिक्स, खोले जाए, इन्हें घर बिठा दीजिए सारों को, खोलिए मोहल्ला क्लिनिक्स, क्यों नहीं, एक सेकंड, खोलिए मोहल्ला क्लिनिक्स, खोलिए गांव देहात के अंदर, हर गांव के अंदर एक मेडिकल सेंटर, पहले चलाइए ना, पहले व्यवस्था दीजिए, उसके बाद दूसरी व्यवस्था को खत्म करिए, पहले व्यवस्था फिर फिल्ट्रेशन किया जाए। जो ऑलरेडी व्यवस्था चल रही है उसके अंदर जो गलत है मैं तो खिलाफ हूं, उनके उन्हें सजा होनी चाहिए, लेकिन अब एक सवाल उठ, लेकिन जो नहीं है गलत जो काम कर रहे हैं उन लोगों की मदद होनी। एक सवाल उठ जाता है, जब हम अनाज तमाम सरकार हमारी अनाज राशन डिपो से बांट रही है, पैसे नहीं होते गरीब लोगों पर, मदद यही करते हैं जब बीमार लोग हो जाते हैं, चाहे वो झोले छाप के रूम में या गांव देहात में या मोहल्ले में बैठने वाले प्रैक्टिस करने वाले ये लोग होते हैं, तो सरकार की जब गाज गिरेगी तो जो गरीब आदमी जो पीड़ित हो जाता है, आजकल जो है वायरल चल रहा है, संचारी रोग जो है आजकल जो बड़े चरम पर रहते हैं, तो ऐसे में जो है उन लोगों को तो इलाज की बड़ी दिक्कतें आएंगी, लोग बाग जो है परेशान रहेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, जहां तक मैं जानता हूं और क्योंकि मैं भी एक छोटे से कस्बे से आता हूं, ये कोई कैंसर का तो इलाज नहीं कर रहे हैं, ये कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं बैठ के, ये तो नजला जुकाम खांसी, मैं खुद
मेरे यहाँ घर के पीछे डॉक्टर फैसल है, 5-7-10 रुपए मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो खुद डॉक्टर फैसल की गोली खा के सीधा चलूँ, तो ऐसी तो बात नहीं है। मैं तो खुद बता रहा हूँ आपको, जो नॉर्मल आदमी का नजला जुकाम हो गया आपका या फिर फर्स्ट एड चोट लग गई हमारे, बस मेरे ये देखिए माथे पे जितने भी हैं टाके, ये किसी MBBS डॉक्टर से नहीं लगे हुए हैं, ये जो हमारे आसपास क्योंकि फर्स्ट एड का काम है इनका, फर्स्ट एड ये देते हैं। मेरी बातों को बहुत सारे लोग अजीब कहेंगे लेकिन जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, इन सब डॉक्टर्स को घर बिठा दीजिए लेकिन मोहल्ला क्लिनिक ला के दीजिए हमें। मदद क्या चाहते हैं? देखिए मदद तो यही हमने कही है, जिन पे डिग्री है, जेन्युइन डिग्रीज हैं जिन पे, वो काम करें जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। जिन पे नहीं है डिग्रीज उनके खिलाफ ना तो उनके लिए आए हैं ना उनके लिए बात करना है, लेकिन जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं मोहल्ले के अंदर उनको काम करने दिया जाए, और अगर नहीं दिया जा रहा है तो इन्हें घर बिठाइए तो मोहल्ला क्लिनिक दीजिए हमें। हमारे साथ भैया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है और प्रतिनिधि जो है संदीप वर्मा भी जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिर जय कैसे देखते हैं इस मामले को, और जय CMO साहब के जिस तरह से छापे पड़े हुए हैं या बाबा योगी आदित्यनाथ के जिस तरह से आदेश आए हैं उस आदेश पर इनकी जो पीड़ा है कैसे देखते हैं, उस वजह क्या मदद हो सकती है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी संदीप जी बताएं। देखिए हम जब मैंने सारी बात बताने का काम किया, हमने ये बात रखी है CMO साहब के सामने कि जो लोग डिग्रीधारी हैं, देखिएगा जो जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं इन्होंने किसी न किसी स्कूल किसी न किसी कॉलेज से डिग्री ली है। सरकार पहले तो ये बताए कि मैं कॉलेज जो डिग्री दे रहे हैं क्या मैं फर्जी हैं? बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्या मैं फर्जी हैं? अगर वो फर्जी नहीं है उनको डिग्री तो इनको प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाए, ये लोग प्रैक्टिस करें, ये जन सेवा कर रहे हैं, मोहल्ले गली मोहल्लों में ये लोग बैठे हैं और फर्स्ट एड देने का काम करते हैं, इनको खाम का परेशान ना किया जाए। हमारी सरकार से मांग यही है, CMO साहब से ही मांगे कि जिनके पास डिग्री है, जिनके जिन्होंने डिग्री ले रखी है उनको जो है प्रैक्टिस करनी देनी चाहिए। CMO साहब आप मिले हैं और तमाम लोग आपके साथ में गए हैं, क्या आश्वासन आपको मिला है इनको लेके? डॉक्टर CMO साहब ने हमारे से यही कहा है जिनके पास डिग्री है वो अपना बोर्ड लगाए, बोर्ड लगाकर अपनी प्रैक्टिस करने का काम करें। जी तो ये थे हमारे साथ में बातचीत करने के, डॉक्टर से बात करेंगे। जी आप जाए उम्र दराज डॉक्टर, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? 35 साल हो। 35 साल से क्या दिक्कतें आ रही है आपके साथ में? ये छापे मार रहे और पकड़ पकड़ के डॉक्टर को बंद कर रहे हैं, हमारे पास डिग्री भी है, BMS डिग्री भी है, उसके बाद परेशान किया जाए। जी भाई आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक है। जी रफीक भाई, जो बार बार परेशान किया जा रहा है, कोरोना के समय जब लोग परेशान थे तब MBBS डॉक्टर अपने घरों में बैठे थे, और गांव में जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो 20 या 30 रुपए की प्रैक्टिस होती है, कोई इतनी बड़ी प्रैक्टिस। आपके पास डिग्री क्या है जिस डिग्री पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस सरकार जी? मेरे पास CCH है और मैंने B.Pharma भी किया हुआ है। ठीक है, उसके बावजूद भी अब देखा जा रहा है बहुत ज्यादा परेशानी। जो कॉलेज था वो अजी फर्जी वाला कॉलेज था, सरकार से मान्यता प्राप्त आप जो है कॉलेज से करेगा, क्योंकि सरकार तो जो पर्सन बच्चा कहाँ पे लगा रहे हैं, आपकी डिग्री पे लगा रही है जी, वो सरकारी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, उसके बावजूद भी जैसे गांव में डॉक्टर बैठता है फर्स्ट एड देता है वो 20-30 रुपए में देता है, उसके बाद वो रेफर कर देता है सहारनपुर के लिए। अब ये लोग क्या करते हैं उसको, अब सहारनपुर में इतने MBBS डॉक्टर तो है नहीं तो सरकार को ये करना चाहिए कि एक MBBS 24 घंटे के लिए अवेलेबल करना चाहिए हमारे गांव में, हर गांव में होना चाहिए 24 घंटे के लिए। ठीक है, और जैसे अब परेशान लोग हो रहे हैं बहुत ज्यादा, सभी डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं, अपना क्लिनिक ऑफ कर रखा है लोगों ने, वो कहाँ से क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जिस भी MBBS की फीस देख लो आप, 500 या 700 रुपए से कम नहीं है, इमरजेंसी में रात में 1000 रुपए है, वो कहाँ से इलाज करा लेगा अपना, वो भूखा मरेगा, ऐसे प्यासा मरेगा, उसको खाने के लिए तो कुछ नहीं है, एक टाइम की रोटी नहीं मिलती है उसको, लोग बाग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको करने दो, नहीं तो परेशान ना करो। और नंबर दूसरी बात है कि अगर कोई दिक्कत ऐसी लग रही है कि ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो सरकार को ऐसी डिग्री देनी चाहिए जिससे प्रैक्टिस कर सके। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आपको जो आपके प्रैक्टिस पे जाए सरकार ने कहेंगे आप ब्रेक लगाने का कार्य किया है, कैसे देखते हैं इस ब्रेक की सरकार को, या क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए अगर हम मोहल्ले में बैठ रहे हैं तो हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, 20-30 रुपए में दवाई दे रहे हैं, ठीक है, हम कोई 500 रुपए नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कल कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम हम लोगों ने किया, ना तो डॉक्टर देख रहा था, ना PGI में एडमिट थे, डॉक्टर ने हाथ नहीं लगा रहा था, वहाँ का स्टाफ हाथ लगा रहा था। कल के दिन हमें रीढ़ की हड्डी बताया, आज हमें गले की हड्डी बताया जा रहा, ठीक है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन जो सेवा हम लोग कर रहे हैं 500 रुपए लेके, एक MBBS नहीं दे सकता कोई गरीब आदमी, हम मलिन बस्ती में बैठते हैं, 200 रुपए कमाने वाला आदमी, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में अपने घर वालों को लाएगा दिखाने, पूरा दिन उसका दिहाड़ी जाएगा, ठीक है, 200 रुपए उसका आने जाने का लगेगा, और यहाँ एक पैरासिटामोल की गोली देकर उसको चलते कर दिया जाएगा, जाओ।
नहीं, कहीं पर ऐसा भी होता होगा जो आप जाए इतनी बड़ी डिग्री नहीं ले रहे, कहीं पर जो पेशेंट इस तरीके आते हैं वो दिक्कत होती होगी, तो कहीं पर ये भी होता होगा सामने जो है कि आपकी डिग्री से आपकी दवाई से जो है लोगों को ज्यादा दिक्कतें पैदा होती होगी। सरकार ये मंशा शायद ये हो कि जो है गलत दवाई की वजह से लोगों को परेशानी से बचा जा सके। मेरी भाई देखिए, आज तक कुछ भी नहीं है, आज तक अभी तक ऊपर वाले की दुआ से ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है 16-17 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए कि किसी को कोई नुकसान पहुंचा हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ फर्स्ट एड दे रहे हैं। कोई चोट वाला आ गया पट्टी कर दी रेफर कर दिया, कोई बुखार वाला आ गया उसको स्पंजिंग दे दी गोली दे दी रेफर कर दिया, इतना काम सिर्फ हम करते हैं। हम कोई चीरा फाड़ी नहीं कर रहे या ड्रिप नहीं लगा रहे या उसको हाई एंटीबायोटिक्स नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। ठीक है, उसमें कुछ कहना चाह रहे थे बताइए आप किस चीज में, आप कुछ कहना चाह रहे थे बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, अगर एक बंदा एक मजदूर आदमी है गली मोहल्लों के अंदर बैठे हैं तो 500 रुपया बंदा कमा के लेके आ रहा है, उसका घर का भी खर्चा है उसका बीमारी का भी खर्चा है, 500 रुपया तो देगा वो फीस। शहर में किसी डॉक्टर के यहाँ चले जाओ आप, अगर 500 से कम किसी की फीस हो जी, अगर वो 500 रुपया फीस दे देगा दवाई कहाँ से लेगा, रिक्शे चलाने वाला बताइए आप। जी जी जी, हाँ वो ये कि मजदूर आदमी जो दवाई कैसे लेंगे, बातचीत करेंगे भाई साथ में, भाई भी जुड़े हैं चश्मा लगाया हुआ प्रैक्टिस करते हैं भाई, किस जगह से आप आए बताएं। मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से प्रैक्टिस करते हैं, क्या डिग्री आपके पास है? हमारे पास सीसी अच्छा सीमा सीडी है। अच्छा एक बार बताइए आप, जाए सरकार की मंशा क्या है आपको लेके, ये ब्रेक लगा रही है झोला छापों पे या गाज आप पर भी गिर रही है? नहीं सर, तो सब पर गिर रही है गाज। देखो क्या है कि हम जो है किसी का चीरा फाड़ी नहीं कर रहे, किसी का ऑपरेशन नहीं कर रहे, सिर्फ छोटा सा जनसेवा कर रहे हैं, लोगों को फर्स्ट एड दे रहे हैं, उससे बढ़कर कुछ क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा सरकार की मंशा क्या आपके अनुरूप नहीं है? एक नहीं, ये तो नगर का ये मंशा हमारे अनुरूप नहीं है जी। ये तो देखो अगर हमारे पास रोजगार थोड़ा मोटा है, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार में दवाइयां दे रहे हैं। ये तो पक्का है कि आप जो फीस के पैसे नहीं लेते, लेकिन पुड़िया कितने के बनाते हैं? 10-20 रुपए की। 10-20 रुपए की पुड़िया बना के लोगों को आराम देने का कार्य करते हैं। हालांकि जो सरकार के जो प्रश्न वाचक लगा हुआ है, बात करेंगे कुर्ते में भी डॉक्टर साहब आए हैं। सरकार मान्यता प्राप्त है नहीं, जिस कॉलेज से हमने कोर्स किया है, जिस कॉलेज से हमने आपने बात की है ना, वो सरकार से मान्यता प्राप्त है या नहीं? जब हम सरकार तो सुनो, एक सरकार तो डिग्री दे रही है, सरकार ब्रेक लगा रही है, मेरा सवाल तो यह है कि सरकार जब हम एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं पढ़ करके, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त जी, और फिर भारत सरकार ही रोक लगा रही है, इस चीज का भी तो कुछ होना चाहिए ना मसला। जब हमें हम पैसे भी खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम भी लगा रहे हैं, है ना, तो फिर हमें प्रैक्टिस क्यों नहीं करने दी जा रही है? इसलिए आपके पास आए हैं ना कि आपकी जो सुनवाई हो, सरकार आपकी बात को समझे जी, सरकार हमारी बात को समझे, हमारे झोला झोला छाप जो एक्चुअल में झोला छाप है उस पर ब्रेक लगाया जाए। जो 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 डिग्री लेके प्रैक्टिस कर रहा है और कहीं ना कहीं सेवा कर रहा है गांव मोहल्ले में, जो है 10-20 रुपए की खुराक देकर आराम देने का कार्य कर रहा है, उनमें हम लोगों को इन्होंने योद्धा बताया है सरकार ने, इसलिए उसने, लेकिन हमें किसी चीज से कोई सम्मानित नहीं किया गया, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे हम अपना काम कर रहे हैं उससे बढ़ के हमारा सम्मान कोई नहीं है भाई, हम जन सेवा कर रहे हैं उससे बढ़ के हमारा सम्मान कोई नहीं है, लेकिन हमें करने तो दिया जाए सुकून के साथ। अब सीएमओ साहब आ रहे हैं, अब सीएमओ साहब आ रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल डर बना रखा है हमारे बीच में, क्या करें आज मेरा क्या किस तरह की पीड़ा आपके सामने। मेरी सरकार से यह अनुरोध है सर कि हमें एक तो झोला छाप ना कहा जाए, क्योंकि हम ग्रामीण चिकित्सक हैं, झोला छाप नहीं है, सही बात है, और हम 10-20-50 रुपए में इलाज कर रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहे हैं, और सरकार ये बताए कि कोरोना काल में ये MBBS कहाँ थे, ये CMO कहाँ थे जी, जब हमने घर घर जाकर अपनी जान की सुरक्षा ना रखते हुए लोगों को चिकित्सा प्रदान की है, कि हमने लोगों का इलाज कहाँ थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर 500 रुपए इलाज के ले रहे हैं वो घर बैठ गए, किसी ने भी इलाज नहीं किया। कोरोना काल में इन सभी डॉक्टर्स ने ही ट्रीटमेंट दिया लोगों का, तो उस टाइम पे कहाँ थी सरकार सब? तो तमाम तरह की इस तरह की पीड़ा है, बातचीत करेंगे सीएमओ साहब के ऑफिस पर, हम आए हैं सीएमओ साहब से बात करेंगे, जो सरकार के आदेश को जो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से वो गाँव में जाके जो जिस तरह की बात आई है कि जो उन्होंने कुछ जगह खंगालने का कार्य किया, जांच करने का कार्य किया, छापे मारने का कार्य किया, आके छापे मारने की वजह क्या आई है, सरकार के आदेश किस तरह से सीएमओ साहब से बात करने का प्रयास करेंगे।